हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रिमी। आप सबके इतने लव एंड सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच। इस वीडियो पे आप देखेंगे ये बहुत ही खूबसूरत सी पेंटिंग जो कि मैंने पेपलम टॉप के ऊपर किया है। आप कोई भी प्लेन टॉप के ऊपर कर सकते हैं। और इस डिज़ाइन को मैंने कॉटन के फैब्रिक के ऊपर नहीं किया है, ये रेयन सिल्क है और इस डिज़ाइन को बनाना भी बहुत ही आसान है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ड्रेस के राइट साइड पे कलर करना है। मैं यह सारी पार्ल कलर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैं रेयन सिल्क की कपड़ा यूज़ कर रही हूँ इसलिए, और फ्लैट ब्रश यूज़ कर रही हूँ, 2 नंबर फ्लैट ब्रश। एक फ्लावर में 4 पत्ती होगी, पहले आप डाउन फिर 2 साइड की पत्ती आप कर सकते हैं। अब अपने पसंद के कलर भी यूज़ कर सकते हैं, ये कलर मार्केट में आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। आप रेयन सिल्क या कोई भी सिल्क के ऊपर अगर कलर करना चाहते हैं तो ये पार्ल कलर से आप कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी कॉटन के फैब्रिक के ऊपर पेंट करना है तो आप एक्रेलिक कलर से कर सकते हैं, या फिर पार्ल कलर से भी आप कॉटन फैब्रिक के ऊपर कलर कर सकते हैं। यहाँ मैंने छोटे छोटे फ्लावर बना रही हूँ क्योंकि मुझे ड्रेस के एक साइड पे कलर करना था इसलिए। आप चाहे तो थोड़ी सी बड़ी फ्लावर भी बना सकते हैं इसलिए आपको थोड़ी आप 4 या 6 नंबर ब्रश यूज़ कर सकते हैं थोड़ी बड़ी फ्लावर बनाने के लिए। इसके लिए मैंने कोई मार्क नहीं की फ्लावर बनाने के लिए। अब यहाँ पार लेमन येलो कलर से हमें फ्लावर की पेंटिंग करना होगा। ये फ्लावर उस फ्लावर के अकॉर्डिंग थोड़ी सी डिफरेंट है, इसकी शेप थोड़ी राउंड शेप की है। ये जहाँ गैप ज़्यादा लग रहा है मुझे वहाँ ऐसे फ्लावर बना देंगे। आप चाहे तो पहले मार्क कर सकते हैं। आफ्टर पेंटिंग ये कलर कुछ नहीं होता है, आप कलर कर सकते हैं, बट आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ मेंटेन करना है, जैसे आप मशीन वॉश ना करें कभी भी। आप 1-2 फ्लावर ज़्यादा भी कर सकते हैं जहाँ आपको खाली लग रही है। मैं यह ड्रेस के लेफ्ट साइड पे कर रही हूँ, आप राइट साइड पे भी कर सकते हैं, और आप कोई भी सूट के ऊपर भी कर सकते हैं, सूट या कुर्ती के ऊपर भी। ध्यान रहे कलर आपके हाथ पे ना लग जाए। अब यह ब्रांचेस की पेंटिंग करना है। मैं यह सिल्वर कलर यूज कर रही हूँ और 0 नंबर राउंड ब्रश। क्योंकि कलर हाथ से फिर ड्रेस के ऊपर लग सकते हैं और आपकी ड्रेस एकदम खराब हो सकती है इसलिए। मेरी ये ब्लॉग की चैनल नहीं है, मैं रिक्वेस्ट करूंगी आपको, आप उसे एक बार ज़रूर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। और एक मैं 2 हफ्ते पहले एक वॉल पेंटिंग की वीडियो डाली थी, वो बहुत ही खूबसूरत है, आप अपने वॉल पे कर सकते हैं, ड्राइंग रूम पे या बेडरूम पे कर सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत है, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे है। ये कलर आपको मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाएगी, नहीं तो आप ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं, लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे है। आपको कोई भी स्टेशनरी शॉप पे ये कलर बहुत आसानी से मिल जाएगी। फाइव कलर्स थोड़ी ग्लिटरी शाइन है इसकी, बहुत खूबसूरत है। আর যদি তোমরা বাঙালি হও তাহলে আমাকে বাংলাতে কমেন্ট করতে পারো, কোনো ব্যাপার না। मैं ज़्यादा राइट साइड पे नहीं लाऊंगी क्योंकि मुझे ये पेंट एक साइड पे ही करना है इसलिए। अब हमें लीव्स की पेंटिंग करना है। मैं यह पार्ल ब्लू कलर यूज कर रही हूँ और सेम फ्लैट ब्रश, बट अब मैं यहाँ 6 नंबर फ्लैट ब्रश यूज कर रही हूँ। जहाँ गैप है वहाँ मैं ऐसे पत्ती बना दूंगी।
आप चाहे तो मार्क भी कर सकते पहले से, जो आपके लिए आसान हो। ये लीव्स के अंदर हमें गैप रखना है। अब ये तो बन गई, अब हमें फ्लावर के सेंटर पे हमें ब्लैक कलर से हमें छोटे छोटे स्मॉल डॉट्स करना है। ये मैं ब्रश की बैक साइड से कलर लेके कर रही हूँ, ऐसे सारे फ्लावर्स के अंदर होगा, येलो के अंदर भी होगा और टर्कोइज ब्लू के अंदर भी होगा। सेम ब्लैक कलर से करना है हमें ऐसे। अब इसको अच्छे से ड्राई होने के बाद हमें इसके सेंटर पे छोटे छोटे वाइट सेम सिल्वर कलर से कर रही हूँ छोटे छोटे डॉट्स करना है। इसको 24 आवर्स के लिए छोड़ दें और नेक्स्ट दिन इसके बैक साइड पे प्रेस कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगने से प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।